उपेक्षा है उसको जितना भी मुमकिन हो कमजोर कर दो कि हर रब पंचाय बेईमानी आ रहा। फिर सारी आवाजों को ऐसे गडमट करो, ऐसे गुंडों के शोर करो। ये शोर एक ऐसा अंधेरा खुलेगा जिसमें बिछड़ जाएंगे अपने लड़कों से मानी, जिसमें बिछड़ जाएंगे अपने लड़कों से मानी भटकते हुए वह के साथ वह की खाई में चले मर जाएंगे। और फिर खोखले लफ्ज बेबस गुलामों की माने बाजार में आके बिक जाएंगे। ये गुलाम अपने आकाओं के एक इशारे पर हजूरिश करेंगे कि सारे ख्यालात की सब इमारत, सारे जज्बात के शिशदर मुनहदिम होकर रह जाएंगे। हर तरफ जहन की बस्तियों में यही देखने को मिलेगा कि एक अफरा तफरी मची। मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने साजिश रची। मगर कोई है जो ये कहता है मुझसे आज भी लफ्ज मानी के ऐसे परेशान आशिक जो मानी को यूं बेनवा लफ्ज को ऐसे नीलाम होने न देंगे। अभी ऐसे दीवाने हैं जो ख्यालात का सारे जज्बात का दिल की हर बात का ऐसा अंजाम होने न देंगे। अगर ऐसे कुछ लोग हैं तो कहाँ हैं, तो दुनिया के जिस कोने में है जहां है उन्हें ये बता दो कि लफ्ज और मानी बचाने की खातिर जरा सी ही मोहलत बची है। मुझे तो ये लगता है जैसे किसी ने साजिश रची है। जमीन भाई बहुत थक गए हैं लेकिन नहीं थक नहीं आऊंगा वक्त मेरे कर। आपके दरबार में आपकी पाइप का इंतजाम बहुत परेशान जीवन में थी हमें पहले से मानने चाहिए थे मना बीच में मैंने कुछ और सोचा। फिर उसके बाद चला वो मेरा रोशनी। चलिए जल्दी से सुन लीजिए वरना ये लाइट भी बुझ जाएगी। इशा जाए नहीं होगा इशा जाए देख लिया क्या हो रहा था जी। वो कमरा याद आता है, मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तपकर, मैं जब भी दूसरों के और खुद के झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़ के उससे हार के जब भी उसे कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कत्थई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा जो अपनी नरम मिट्टी में मुझे ऐसे छुपा लेता जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले प्यार से डांटे। क्या आदत है जल्दी दो गहरे मारे मारे घूमते हो तुम, वो कमरा याद आता। दबीज और खाता भारी कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशक से दरवाजा, जैसे कोई अखड़वा अपने खुरदुरे सीने में शफकत के समुदाय को छुपाया। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्ती में वो एक गुस्ताख मुंह फटाएगा जो दिल अच्छा था। वो बेहंगम सी अलमारी जो कोने में खड़ी ये पूरी अल्लाह की तरह आईने को तकबीर करती है। वे गुलदान नन्ना सा वो शैतान उन दोनों के हस्ता दरीचा या जहानत से भरी एक मुस्कुराहट और दरीचे पर झुकी वो बेल कोई सब सरगोशी किताबें ताक में और शेल पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी। मगर सब मुझे इस बात की मैं उनसे कुछ पूछ लू सिराने नींद का साथी नकल का चारा कर वो नर्म दिल का किया
मैं जिसकी गोद में सरक की छत को देखता था, छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियां थी, और छोटी मेज पर और सामने दीवार पे आगे का तस्वीरें मुझे अपनाइयत से और यकीन से देखती थी, मुस्कुराती थी। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ के आऊंगा, मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं अब जिस घर में रहता हूं बहुत ही खूबसूरत, मगर अक्सर यहाँ खामोश याद करता हूँ वो कमरा बात करता था। मैं बता कर रहा हूँ, मैं डॉक्टर भी अपने आपके कुछ चीज़ें हैं।